हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और साथ ही परमपिता परमात्मा से बेटा मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार सहित हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में वैल्यूज निकालना है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब ये हैं क्या? अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज हैं। बेटा, जीरोज अल्फा बीटा इस तरह हमने एक सिंबल लिए हैं। आप ए और बी भी हो सकते हैं, पी और क्यू भी हो सकते हैं। तो मैंने किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा सपोज कर लिए। आपको पता है यदि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसके जीरो कितने होंगे? टू होंगे। तो इसलिए अल्फा और बीटा उसके हमने जीरो सपोज कर लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि आपको ध्यान हो, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। है ध्यान कुछ? इसमें सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था? माइनस के बी बाई ए। आया कुछ ध्यान? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था हमारा? सी बाई ए। ये हमने रिलेशनशिप भी की थी बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ द पॉलीनोमियल्स के। तो याद है ना, ये सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी बाई ए। अब यदि हमने अल्फा और बीटा को जीरो मान लिया तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ये चीज नोट कर लेना। आपकी यदि पी और क्यू जीरोज होते तो पी प्लस क्यू सम ऑफ जीरोज हो जाता और पी क्यू की प्रोडक्ट हो जाती। फॉर्मूला वही रहना था, माइनस बी बाई और सी बाई ए। तब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली हमारे? इफ अल्फा बीटा आर टू जीरोज ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इनकी वैल्यू निकालनी है हमने, इन सभी की हमने वैल्यूज निकालनी है। इज दैट क्लियर? तो इसमें एक पॉलीनोमियल है, जब भी इस प्रकार वैल्यू निकालने के लिए कहे ना, इस प्रकार का जो समय आप नोट कीजिए, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए इन फॉर्मूलों से। तो पहले तो कंपैरिजन करके ए बी सी फाइंड आउट कीजिए। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ए क्या होता है बेटा? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें है वन, तो ए की वैल्यू है बेटा आपकी वन। बी क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ एक्स, वो है माइनस के टू। और सी क्या होती है? कॉन्स्टेंट टर्म, और वो हमारा है थ्री। तो हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस के बी बाई ए। तो माइनस के टू बाई वन, यानी प्लस के टू आ गया हमारा। प्लस के टू कैसे आया? सम ऑफ जीरोज होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला उसका माइनस बी बाई ए। तो माइनस ये वाला साइन, और बी की वैल्यू क्या है? माइनस के टू, और ए है वन, तो माइनस ए माइनस प्लस के टू। और फिर निकाल लीजिए अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो है सी बाई ए। और सी क्या है? थ्री। ए क्या है? वन। तो सबसे पहले जो आपका काम है ना, इस प्रकार के सम में उन जीरोज का जो उसने दिए हैं, अगर उसने अल्फा बीटा दिया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लीजिए। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ आइए, आपको मैं नाइन्थ क्लास में लेके जाता हूँ, वहाँ की सैर करते हैं। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार कर रखा ना, ए प्लस बी का होल स्केयर है, याद? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। नाइन्थ से बहुत छोटी क्लासेज में कर रखा है। तो यहाँ से ए स्केयर प्लस बी स्केयर फॉर्मूला बनाते हैं हम, ये टू ए बी उधर जाकर माइनस का बन जाएगा। तो याद रखना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर फॉर्मूला क्या बनाया बेटा अपना? ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस टू ए बी। क्लियर है? ये क्यूब वाला फॉर्मूला है। देखो ध्यान से, नाइन्थ क्लास में बैठना है थोड़ी देर के लिए, वहाँ क्या करते हैं आप? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली यदि हम फोर पावर का बनाएं, ए रेज टू पावर फोर प्लस बी रेज टू पावर फोर का, वो बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर माइनस के टू ए स्केयर बी स्केयर। तो ये तीन फार्मूले आप अच्छे से याद कर लेना,
दो तीन बार लिखोगे वैसे याद हो जाएगा, बाकी रटने की जरूरत नहीं है, आपको आते ही हैं, वहाँ से आप बना भी सकते हैं। तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, फिर अल्फा बीटा। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, आपने वैल्यू निकालनी है बेटा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर का। तो क्या फॉर्मूला बनया, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर और माइनस के टू अल्फा बीटा। इज दैट क्लियर? इनकी वैल्यू पुट करते रहो, बिल्कुल आसान है। जिसकी वैल्यू निकालनी अगर फॉर्मूला रख दीजिए, फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, टू, तो टू का होल स्केयर और माइनस के टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा थ्री है ना, तो यहाँ थ्री रख दिया, तो फोर माइनस के सिक्स कितना आ गया, माइनस के टू। इज दैट क्लियर? तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर कितना आया बेटा हमारा, माइनस के टू। हमने फॉर्मूला रख दिया अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू पुट कर दी, अल्फा बीटा की ये, और सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड पार्ट देखना, बहुत इजी पार्ट है ये। सेकंड देखो बेटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ये देखिए माइनस के थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, टू, तो टू का क्यूब माइनस के थ्री अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा बेटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू थ्री है, यहाँ थ्री पुट कर दिया, फिर अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, टू, तो यहाँ टू पुट कर दीजिए, तो एट, टू का क्यूब एट, और माइनस के थ्री, थ्री जा नाइन, टू जा एटीन, तो माइनस के टेन आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ गया, या लिखूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया हमारा बेटा माइनस के टेन। इज दैट क्लियर? वैल्यूज पुट करनी है बस, कुछ नहीं है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, अल्फा रेज टू पावर फोर बीटा रेज टू पावर फोर। तो ये वाला फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का होल स्केयर माइनस के टू अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। तो बेटा यदि आपके ये पार्ट एक साथ आ जाते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आपने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर निकाल लिया ना। यदि ये नहीं आते तो पहले ये निकालना पड़ेगा, या एक काम करो इसका फॉर्मूला रख दीजिए इसके अंदर ही, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का ये है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, डबल सम बन जाएगा हमारा ये, और माइनस के टू अल्फा बीटा और इसका होल स्केयर। बेटा ये जो अंदर है ना अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ध्यान से देखो इस सम को, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का होल स्केयर है। तो पहले आप अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की यहां पर वैल्यू निकालना है, उसका फॉर्मूला रख दिया हमने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर वाला ये वाला, और इसके ऊपर पावर टी थी टू रख दी हमने, और माइनस के टू, ये अल्फा स्केयर बीटा स्केयर नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्केयर। अब सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो ध्यान से, ये लिखना क्या समझ में पक्का, देखो ध्यान से लिख लोगे ना इसको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है टू, तो ये बन गया टू का स्केयर और माइनस के टू इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है थ्री, और सारे का स्केयर माइनस के टू, ये अल्फा बीटा का स्केयर है बेटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू थ्री है, तो ये थ्री का स्केयर बन जाएगा। आसान है ना? तो कितना देखो यहां पर, फोर माइनस के सिक्स का स्केयर और माइनस के थ्री का स्केयर नाइन, और नाइन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एटीन आएगा हमारा। इज दैट क्लियर? तो फोर माइनस सिक्स कितना आ गया अपना, माइनस के टू, और माइनस के टू का स्केयर फोर, फोर आ ना देखो, और माइनस के एटीन कितना बन गया, माइनस के फोर्टीन। तो बेटा अल्फा फोर प्लस बीटा रेज टू पावर फोर की वैल्यू आ गई हमारी माइनस फोर्टीन, और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकाली थी वो आई थी माइनस के टू। इज दैट क्लियर? तो ये आप सीधा कर सकते हैं। हाँ यदि आपने ये क्लियर हो गया ना आपका, अगर आपने फर्स्ट पार्ट, इसको देखो मैं दोबारा कराता हूँ, एक तो इसी तरीके से हो गया। आप एक काम कर सकते हैं भाई, जब भी फोर वाला सम आए पहले अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकाल लो, इस फर्स्ट पार्ट में जैसे निकाली थी उसको निकाल लो, वो आई हमारी माइनस के टू,
यहाँ माइनस के टू पुट कर दीजिए तो माइनस के टू का स्केयर हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दिया की बार हमने, यानी इसी सम में यदि हम कन्फ्यूज हो जाए भी कैसे करें, तो दो बार कर लीजिए, पहले अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर निकाल लीजिए, उसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए और माइनस के टू, ये अल्फा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर बीटा स्केयर है ना, इसका मतलब अल्फा बीटा का स्केयर। मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ बेटा इसम को, भैया पहले अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर निकाल लो, वो हमने कौन से पार्ट में निकाला था, पहले पार्ट में, और उसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा माइनस के टू, और ये अल्फा बीटा का स्केयर है, अल्फा बीटा क्या है थ्री, तो थ्री का स्केयर बन गया, तो फोर माइनस के एटीन, वही आया ना माइनस फोर्टीन। ये वैसे आसान रहेगा आपके लिए, जॉब करा मैंने, आसान वो भी है, वो दिखने में छोटा लगता है, इसको हम दो पार्ट में कर रहे हैं, लेकिन सम ये आपका आसान है, क्लियर है ना ये। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, बिल्कुल ईजी है ये, तो था बेटा सीधा फार्मूले वाले। अगर आपको इस प्रकार फ्रैक्शन नजर आए तो पहले एलसीएम ले लीजिए, फोर्थ पार्ट देखो, वन बाई अल्फा प्लस वन बाय बीटा माइनस के टू अल्फा बीटा, इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा आया ना, यहाँ से अल्फा कैंसिल बीटा बच गया, और यहाँ से बेटा बीटा कैंसिल तो अल्फा बच गया, ये एज इट इज। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर बीटा प्लस अल्फा है ना, बीटा प्लस अल्फा मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा भी समझ सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू टू है, और नीचे अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा कितना बेटा थ्री है, अरे बेटा नहीं वैल्यू पुट करिए हमने, कुछ नहीं कर रहे, और माइनस के टू, ये फिर अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू कितनी है थ्री है, थ्री पुट कर दीजिए तो कितना आ गया टू बाई थ्री माइनस के सिक्स, थ्री एलसीएम तो टू माइनस के एटीन यानी माइनस के सिक्सटीन बाई थ्री, बिल्कुल ईजी है ना, एलसीएम लिया और वैल्यू पुट कर दी, क्लियर है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखना, फिफ्थ पार्ट क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इज दैट क्लियर। एलसीएम लीजिए पहले इसमें, क्या एलसीएम आया अल्फा बीटा, बीटा से बीटा गया, क्या बच गया अल्फा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्केयर, प्लस यहाँ से अल्फा गया बीटा स्केयर। अब बेटे आप दो तरीके से कर सकते हो इसको, ऊपर आया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, या तो जैसे आपने पहले किया था अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकाल लो फार्मूले से, यहाँ भी रख सकते हैं सीधा फार्मूला, अलग से भी निकाल सकते हैं, या फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर निकाल लिया नहीं आपने पहले, क्या वैल्यू आई थी माइनस के टू, तो यहाँ माइनस के टू रख दीजिए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई बेटा अपनी थ्री, तो इसकी वैल्यू बन गई माइनस के टू बाई थ्री। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट की हेल्प ले ली बेटा, अगर फर्स्ट पार्ट की हम हेल्प ना लें, ये समझ में आ गया आपको, एलसीएम लेके वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ बेटा ऊपर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है तो ऊपर ये फॉर्मूला रख दीजिए, अगर पेपर में सीधा यही सम आ गया तो या तो आपको पहले ये करना पड़ेगा वैल्यू पुट करने के लिए, या फिर आप अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का वो फॉर्मूला पुट कर दीजिए, कौन सा अल्फा प्लस बीटा का स्केयर और माइनस के होल स्केयर माइनस के टू अल्फा बीटा, और नीचे क्या है बेटा अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू टू है, तो टू का होल स्केयर और माइनस के टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना थ्री है, नीचे भी तो अल्फा बीटा है उसको रख दो थ्री, तो फोर माइनस के सिक्स बाई थ्री यानी माइनस के टू बाई थ्री। तो कर सकते हो ना ऐसे, यानी फ्रैक्शन में क्या करना आपने, एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना। और देखना सिक्स्थ पार्ट देखिए, अल्फा स्केयर बाय बीटा प्लस बीटा स्केयर बाय अल्फा, एलसीएम ले, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा कैंसिल तो अल्फा क्यूब, प्लस अल्फा कैंसिल तो बीटा क्यूब। अब इसको भी आप दो प्रकार से कर सकते हो, या तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की पहले वैल्यू निकाल लो जो कि हमारी टेन आई, माइनस के टेन आई थी, या फिर यहाँ पर फॉर्मूला रख के ये वाला सीधा भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी जैसे करना चाहे कर सकते हैं, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या बन गया माइनस के टेन, और ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब थी, और अल्फा बीटा कितना अपना थ्री है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। या दूसरा मेथड आपको पता है ना, इसकी जगह वैल्यू पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो बेटा इन सम में ना एक बात को ध्यान रखना, आपको एक तो फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, दूसरा यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ना
तो फिर आपने रटने जुटने भी ये करना ये करना है। अगर आपको सीधा फॉर्मूला नजर आता फॉर्मूला रख दीजिए, फ्रैक्शन नजर आती है एलसीएम ले लीजिए, ब्रैकेट नजर आते हैं पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपने सारी टर्म्स को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर उनकी वैल्यू पुट करेंगे। एक ऐसा देखना, इफ अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ दिस, यही है लिख रखा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा हमारा माइनस के बी वाई ए, यानी सम ऑफ जीरोज और अल्फा बीटा सी वाई ए, ये लिख भी रखे हैं यहां पर मैंने, ये वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला रख दीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये वाला फॉर्मूला रख दीजिए आप, तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस के टू अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है बेटा आपका क्यों, तो माइनस बी बाई ए का होल स्केयर और अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, तो क्या आया स्केयरोलॉजी पॉजिटिव होता है ना, तो बी स्केयर बाई ए स्केयर और माइनस के टू सी बाई ए। यहाँ तक छोड़ दीजिए, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहे ना तो देखो एलसीएम ले लीजिए, ए स्केयर और एक एलसीएम क्या आया सोचो ए स्केयर, शाबाश क्या आएगा ए स्केयर, तो यहाँ बी स्केयर ऐसे कैसा ए स्केयर को ए से डिवाइड करेंगे ए, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए सी, तो बिल्कुल ईजी है फॉर्मूला रखे और वैल्यू पुट कर दोगे। इसी में अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई ए था बेटा और अल्फा बीटा आपका सी बाई ए था। थर्ड सेकंड पार्ट देखो बेटा इसी का, वही फॉर्मूला रखना है कुछ नहीं है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस के थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ देखिए, ये रहा माइनस के बी बाई ए का क्यूब माइनस के थ्री अल्फा बीटा, ये रहा अल्फा बीटा, तो यहाँ पुट कर दिए वैल्यू सी बाई ए, और ये अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी, करो सिंपलीफाई, माइनस के बी क्यूब ए क्यूब ओड पावर है ना, तो माइनस को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो माइनस ए तो आएगा, और ये माइनस से माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री सी और बी की मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, और नीचे ए की ए से करेंगे ए स्केयर, क्लियर है। उसी प्रकार एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम आया ए क्यूब बेटा एक्स की पावर फाइव और एक्स की पावर हंड्रेड में किस क्या एलसीएम आएगा जो बड़ी पावर होती है, इज दैट क्लियर, तो माइनस के बी क्यूब, तो इसलिए ए क्यूब और ए स्केयर में से कैल्शियम है ए क्यूब, और प्लस का यहाँ से ए क्यूब ए स्केयर से डिवाइड कर ए बचेगा ना उससे मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री ए बी सी। तो बेटा इस प्रकार के सम इन फॉर्मूलों के हेल्प से हम करेंगे, इसके बाद कुछ सम और देख रहे हैं बेटा। तो बेटा इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखना, इफ अल्फा बीटा आर टू जीरोज ऑफ एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हमारा, उसके अल्फा और बीटा जीरो दे रखे हैं, जो पिछली टाइप की थी हमने उसमें क्या था अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकालनी थी, इसमें सम थोड़ा चेंज किया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दीज, हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है बेटा जिसके जीरो ये हों, जीरो दे रखे थे तो पॉलिनोमियल बनाए थे ना आपने, आया कुछ ध्यान, आया कुछ ध्यान, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या था k इंटू एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस बी, यानी यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर यदि जीरो दे रखे हैं तो भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और यदि सम और प्रोडक्ट दे रखे तो भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा सम लंबा है, बहुत आसान है, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले क्या करो आप, क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरो हैं तो आप इसका सम और प्रोडक्ट इसकी निकाल लीजिए पहले, तो कंपैरिजन करते देखो, ए वन है बी माइनस थ्री है और सी सेवन है, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हमने इसको कंपेरिजन किया, इसे कंपेयर किया है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर यहाँ पर वन है, इसका ए था, कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस थ्री है
वो बी है और कॉन्स्टेंट हमारी सी सेवन है। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला है, माइनस के बी बाई ए, तो माइनस से माइनस प्लस थ्री हो जाएगा ना, सीधा रख दें। अरे यहाँ पर आप बी की वैल्यू माइनस थ्री रखोगे तो माइनस आ गया, तो माइनस से माइनस प्लस थ्री नहीं हो जाएगा। और ए वन है अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है सी बाई ए यानी सेवन बाई वन। अब है जो नई चीज हमारी, हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिनके जीरोज ये हैं। अगर आपको ध्यान हो जिनके जीरोज सेवन और नाइन होते थे तो आप क्या करते, एक बार तो सम करते थे पहले यानी 16 आ गया, फिर प्रोडक्ट करते थे यानी 63 आ गया, और फिर इस फॉर्मूले में रख देते थे। ये तो पूरी एक्सरसाइज की आपने इससे रिलेटेड। तो अब इन सेवन और नाइन की जगह ना बेटा वो ये है जीरो आपके, तो इनका सम निकाल लेंगे हम एस, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इन दो जीरोज का सम निकाल लेंगे, ऐड करो इनको, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो यहां पर बीटा और यहां पर अल्फा, तो क्या आ गया ऊपर अपना बीटा प्लस अल्फा, इसको अल्फा प्लस बीटा भी समझ सकते हैं, और नीचे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू देखो थ्री है ना, और ये सेवन, तो थ्री बाई सेवन आ गया बेटा। एक प्रोडक्ट निकाल लो उनकी यानी वन बाई अल्फा इंटू वन बाई बीटा, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करें वन और अल्फा बीटा। इसमें एलसीएम मत लेना बेटा, एलसीएम तो जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तब लेते हैं, ये तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर के आपस में करें डिनोमिनेटर के आपस में करेंगे, क्लियर है, वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा हमारा सेवन है। तो सबसे पहले जिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोम को आप बनाना चाहते हो, जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोम को बनाना चाहते हो जिन जीरोज की हेल्प से, उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब बनाते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या फॉर्मूला था, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के एस एक्स प्लस के पी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने निकाल ली है, के एक्स स्क्वायर, अब तो ये वही सम हो गया बेटा जो आपने पहले कर रखा है, माइनस के थ्री बाई सेवन एक्स और पी आपका वन बाई सेवन है, इज दैट क्लियर। यहां देखिए इसको, के इंटू एलसीएम लेंगे ना आप इसका, क्या एलसीएम है आपका सेवन एलसीएम आ गया ना, तो सेवन एक्स स्क्वायर बन गया बेटा आपका, सेवन एलसीएम लेने से माइनस के थ्री एक्स और प्लस का वन। अब आप के क्या ले सकते हो, पक्का ही की वैल्यू ले सकते हो ना बेटा, के एनी एनी स्केलर है जो कि नॉन जीरो है, ये आपको पता है, आपने पूरी एक्सरसाइज की थी, यानी जीरो को छोड़कर आप के कुछ भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। यहां पर क्या लेना चाहिए, सेवन का मल्टीपल, सेवन ले ले, तो सेवन इंटू सेवन एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड बाय सेवन, सेवन सेवन कैंसिल, तो ये एक पॉलिनोमियल आ गया, बन कितने सकते हैं, इनफाइनाइट आप 14 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, इस प्रकार आप कितने भी रख सकते हैं, आसान है ना। सबसे पहले इन दोनों जीरोज का हमने क्या किया, सम निकाल लिया प्रोडक्ट और फॉर्मूले में रख दिया। अब एक सम और देखिए इसी प्रकार का, आसान है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान दोगे तो। पहले क्या करो, जो पॉलिनोमियल दिया पाए ना वहां से आप क्या करोगे, उनका सम और प्रोडक्ट निकाल दो, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब जिन जीरोज की हेल्प से आप पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं उनका सम और प्रोडक्ट वहां से निकाल लीजिए। ये सम देखना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस के थ्री, इफ अल्फा बीटा आर टू जीरोज ऑफ, तो सबसे पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लीजिए, उससे पहले कंपेयर करेंगे, ए देखो क्या है वन है, बी क्या है फाइव और सी क्या है माइनस थ्री, इससे कंपेरिजन करोगे ना आप, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ए क्या है? वन। तो क्या वैल्यू है इसकी? माइनस फाइव बाई वन, यानी माइनस के फाइव। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होता है? सी बाई ए। तो माइनस के थ्री बाई वन, यानी माइनस के थ्री। तो सबसे पहला काम तो आप क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है। अगर किसी की वैल्यू पूछे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर निकालो, तो फॉर्मूला रख देंगे हमारे पास पड़ी है। बट इसने करना क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज आर दीज। ये बेटा जीरोज दी हैं इसने। इसने कहा है कि ये और ये जीरो है। जैसे मैंने पीछे बताया था सेवन और नाइन जीरो है, तो इनका सम किया था, प्रोडक्ट किया था। तो ये एक जीरो है, ये दूसरा जीरो है। तो इन दोनों की हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले दोनों का सम निकाल लो। किन का सम? जिन जीरोज से आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना चाहते हैं, और वो जीरोज ये हैं, अल्फा प्लस बीटा। एक जीरो तो ये है, ये मैं सोच रहा जी प्लस है, बीच में प्लस का साइन है, कुछ भी दे सकता है अगले की मर्जी। अल्फा स्केयर बीटा स्केयर भी दे सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी जीरो दे सकता है। तो जिन जीरोज का आपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना बेटा, उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो एक जीरो तो ये है, प्लस में ये लिख लीजिए, यानी प्लस में वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए एलसीएम लेके, इनका एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया ना। तो क्या आया देखो, ऊपर ऊपर अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा प्लस अल्फा, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये अल्फा प्लस बीटा है, माइनस के फाइव आया, प्लस ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस प्लस से प्लस प्लस और ये माइनस, तो प्लस से माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, और नीचे माइनस के थ्री। दोबारा देखो, ये अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस फाइव, ये प्लस प्लस का साइन है, चलो मैं प्लस ही कर देता हूँ, कन्फ्यूज मत हो जाना, प्लस एज इट इज। ऊपर अल्फा प्लस बीटा है, तो ऊपर हमने वैल्यू रख दी माइनस फाइव, नीचे अल्फा बीटा है, उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस थ्री। क्रॉस सिंप्लीफाई इसको, तो माइनस के फाइव, माइनस से माइनस प्लस नहीं है बेटा, ये फाइव बाई थ्री, थ्री एलसीएम ले लो, तो माइनस के फिफ्टीन प्लस फाइव, तो क्या है बेटा माइनस के टेन बाई थ्री। ये तो सम आया है इन जीरोज का। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे इनकी। प्रोडक्ट क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा इंटू वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। इनकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा इन दोनों जीरोज की, जैसे आप सेवन और नाइन ही करते थे, ये सेवन समझ लीजिए आप नाइन है बेटा। करें मल्टीप्लाई, पहले अल्फा से करो, अल्फा की वन बाई अल्फा से करेंगे, अल्फा की वन बाई अल्फा से अल्फा कैंसिल नहीं हो गया, तो वन। अल्फा की वन बाई बीटा से करेंगे, तो प्लस के अल्फा बाई बीटा। फिर इसमें आ जाओ, बीटा की वन बाई अल्फा से करेंगे, तो बीटा बाई अल्फा आएगा, और बीटा की वन बाई बीटा से करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, तो वन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या आ गया, वन एंड वन टू, और इनका बेटा एलसीएम ले लीजिए अल्फा बीटा। कुल मिला के ना बेटा, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, सिंप्लीफाई करना है ये तो पता भी, एलसीएम लेना पड़ेगा, रूल वही है भाई, फ्रैक्शन आए तो एलसीएम लेना पड़ेगा। बीटा कैंसिल तो अल्फा स्केयर बन गया, अल्फा कैंसिल यानी अल्फा बीटा, अल्फा से डिवाइड किया, ये बीटा स्केयर बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ गया, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये वाली, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले लगाइए। तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस के टू अल्फा बीटा, और नीचे क्या है बेटा, अल्फा बीटा। इनकी वैल्यू पुट कीजिए, करें पुट, तो टू प्लस, ये अल्फा प्लस बीटा का स्केयर है, और इसकी वैल्यू थी माइनस फाइव, तो माइनस के फाइव का स्केयर। क्लियर है, माइनस के टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के थ्री थी, देखो ध्यान से, और नीचे भी अल्फा बीटा है, तो माइनस के थ्री, तो टू प्लस, करो सिंप्लीफाई, माइनस के फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव, माइनस टू की माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे प्लस के सिक्स, और नीचे कितना है माइनस के थ्री, तो कुल मिलाकर बेटा कितना आया टू। देखो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और ट्वेंटी फाइव और सिक्स कैलकुलेशन तो करनी आती होगी, थ्री फिर एलसीएम आ गया, सिक्स माइनस के थर्टी वन, तो कितना आ गया बेटा माइनस के ट्वेंटी फाइव बाई थ्री।
तो बेटा ये तो आ गया आपकी प्रोडक्ट, सॉरी सम, और ये आ गया आपकी प्रोडक्ट। किन की? उन जीरोज की जिनकी हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना चाहते हैं। तो यहां तक एक बार दोबारा देख लीजिए, अल्फा और बीटा बेटा इसके जीरोज थे, कंपेरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, वहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया, अब इन दो जीरोज का सम कर लिया और प्रोडक्ट कर लिया। ये कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए। बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो जीरोज हैं वो अल्फा प्लस बीटा और वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा है, तो इनके हम प्रोडक्ट करेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई की जगह हम सेकंड ब्रैकेट में जो है वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा उनका एलसीएम ले लेते हैं। बेटा अल्फा बीटा एलसीएम आया तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होकर ऊपर बीटा और बीटा से बीटा कैंसिल होकर हमारा अल्फा आता है। और आप ऊपर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस फाइव है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस फाइव पुट कर दी। सेकंड ब्रैकेट में बीटा प्लस अल्फा है, इसका मतलब भी बेटे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ये तो होता है, तो इसकी वैल्यू भी हमने माइनस फाइव पुट कर दी और डिनोमीटर में अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर दी। माइनस फाइव को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करें 25 आएगा बेटा, और नीचे माइनस थ्री, तो कुल मिलाकर बेटा इन जीरोज की जो प्रोडक्ट होकर आएगी हमारी माइनस के 25/3। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ये पहले वाले मेथड से आसान रहेगा, इसको ध्यान से एक बार दोबारा देख लेना। एस तो आ गया आपका माइनस के 10/3 और पी आ गया बेटा आपका माइनस के 25/3। अब आपको यानी इस सम में दो सम है, ये लगा लीजिए आप, आसान है कुछ नहीं, एक सम में दो सम है। अब आपका ये वो सम बन गया जब आपके पास सम है प्रोडक्ट है और आपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। हाँ कुछ ध्यान, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो हम बनाना चाहते थे, याद है कुछ फॉर्मूला, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो के इंटू एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू क्या है देखो माइनस 10/3, तो माइनस से माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 10/3x, और ये p है, p की वैल्यू माइनस के 25/3। एलसीएम लीजिए, 3 आ गया ना, तो 3x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 20, ये तो आता ही आपको, k की वैल्यू पुट करो, क्या करोगे 3 रख दें, 3 क्यों रखा, 6 रख सकते थे, 6 भी रख सकते थे, कुछ भी रख दो जीरो को छोड़ के, लेकिन क्योंकि एलसीएम में इसका 3 है तो आसान रहता है 3 का मल्टीपल रखें, तो के मैंने यहाँ पर 3 सपोज कर लिया, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस के 25। ये एक पॉलीनोमियल आया है, पूछा भी इसने एक ही पॉलीनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जरूरी नहीं है आपका आंसर मैच करे, क्योंकि आप कुछ भी सपोज कर सकते जीरो को छोड़कर। तो बेटा ये थे हमारे आज के सम जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से रिलेटेड थे, इनकी प्रैक्टिस करना, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है ये सम, मैंने कुछ आपको अलग से कराए हैं, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, घर पर रहना, स्वस्थ रहना, सबका ध्यान रखना और साथ के साथ अपना मैथ का काम भी करते रहना और सभी सब्जेक्ट करना वैसे तो। ओके बेटा, थैंक यू।